कौन सा इंडेक्स आज कौन सा इंडेक्स टारगेट में है? 101 गवर्नमेंट ग्रांट हो गया था ना उस दिन। चलो पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इंडेक्स 101 इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेक्स। मेरे पास तो और कॉपी नहीं है अभी। उसके पास जा करके बैठ जाओ।
मेरा बैग ला के। कितना बड़ा सम है देख रहे हो, ये नया सम इंट्रोड्यूस हुआ है और पूरा आने का चांस है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बड़ा है, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी नहीं है, बहुत इजी है। आप पढ़ो ना आराम से, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आज बहुत ज्यादा टाइम इसी में लग जाएगा।
पढ़ लिए? कैन वी स्टार्ट? क्या देखने से लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ा है, सॉल्वेबल ही नहीं है? यस और नो? लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है? पहले ऊपर में एक बार बैलेंस शीट देखिए। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को ज्यादा वक्त लगे ना तो लगने देना, ओके? आपको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। सौर्या लिमिटेड इज ए कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिल्ली। 60% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय ए गवर्नमेंट एंड रेस्ट बाय अदर इन्वेस्टर्स। फर्स्ट टाइम सौर्या लिमिटेड वुड बी अप्लाइंग इन डेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इट्स फिनांसियल्स फॉर द करेंट ईयर 2019-20। Following is the balance sheet. Following balance sheet is prepared as per earlier GAAP at the beginning of the preceding year along with the additional information. Beginning of the preceding year का balance sheet क्यों दिया है? क्योंकि transition जब आप करते हो तो transition date यही वाला माना जाता है। 1 April 2018 का balance sheet को change करना पड़ता है और फिर 18-19 का पूरा PL balance sheet को Ind AS से बनाना पड़ता है, 19-20 का भी पूरा पीएल बैलेंस शीट इंड एएस से बनाना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने आपको 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट दिया है। एक बार बैलेंस शीट देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें स्टार्ट किया शेयर होल्डर्स फंड। इंड एएस में शेयर होल्डर फंड लिखते हैं कि इक्विटी लिखते हैं? इंड एएस में शेयर होल्डर फंड हम लोग लिखते नहीं है, वी राइट इक्विटी। इंड एएस में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में कौन ऊपर कौन नीचे रहता है? एसेट ऊपर लायबिलिटी नीचे रहता है। तो दो छोटा छोटा मिस्टेक जो हम लोग सुधारते वक्त सुधार देंगे। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है। रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं कि अदर इक्विटी लिखते हैं? अदर इक्विटी। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक को भी डिस्कस हम कर देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ नोट नहीं लिखाएंगे। नोट क्योंकि इतना बड़ा समय है, ऐसे ही नोट में बहुत टाइम लग जाएगा। आज का तो पूरा क्लास ही लग जाएगा हमको लगता है इसी सम में, ठीक है? देखते हैं, आज कोशिश करेंगे 101 पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी का बाइफर्केशन है। उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। क्या चीज का मेन प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है व्हेन यू आर सीइंग द नॉन करेंट लायबिलिटी? फिनेंशियल लायबिलिटी का डिस्कशन नहीं किया है उन्होंने। ये प्रीवियस गैप के हिसाब से, मतलब जो एएस का जो बैलेंस शीट बनता है ना, उसके हिसाब से बनाया हुआ है, लिखा हुआ भी है प्रीवियस गैप का बैलेंस शीट है। तो आपको तीनों लायबिलिटी में फिनेंशियल लायबिलिटी कौन सा दिखाई दे रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि इसको हम लोग कैश में चुकाएंगे। तो जो भी लायबिलिटी कैश में चुकाने वाला होता है उसको फिनेंशियल लायबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट, प्रोविजंस को हमेशा अलग से दिखाया जाता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को भी अलग से दिखलाना पड़ता है। नेक्स्ट, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल है, अदर करेंट लायबिलिटीज है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। यहां भी सेम प्रॉब्लम है, ट्रेड पेएबल हैज टू बी, नहीं नहीं नॉन करेंट करेंट का बात नहीं हो रहा अभी, फिनेंशियल लायबिलिटी, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट फिनेंशियल लायबिलिटी। करेंट नॉन करेंट तो वो किया ही है, नॉन करेंट लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी का बाइफर्केशन इज डन, फिनेंशियल का डिस्कशन नहीं किया है। तो ट्रेड पेएबल मस्ट कम अंडर फाइनेंशियल लायबिलिटी। आगे, नॉन करेंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इनटैंजिबल असेट्स है, गुडविल है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, अदर नॉन करेंट असेट है। तो ऐसे तो ठीक है, खाली फिनेंशियल असेट का डिस्कशन करना पड़ेगा। करेंट असेट में भी करेंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, अदर करेंट असेट्स है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरे को, खाली फिनेंशियल असेट फिनेंशियल लायबिलिटी का इन्होंने अच्छे से डिवीजन नहीं किया, दैट वी विल डू ऑन आवर ओन। तो
तो विद दीज मिस्टेक्स इन द बैलेंस शीट, जो कि प्रीवियस गैप से इस गैप में आने के वक्त हम लोग करेंगे। अब नीचे का पढ़ाई जो कि इंपॉर्टेंट है, वो तो खाली नाम का प्रॉब्लम था ना, एसी सारा बंद कर दीजिए, फर्स्ट लाइन पढ़ो और बताओ क्या करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अदर करेंट लाइबिलिटीज, ऊपर बैलेंस शीट में अदर करेंट लाइबिलिटी के ऊपर फिंगर रखो, 450,000, कुछ कमेंट करो। 390,000 इज पेड इन टू बी पेड इन कैश एज एक्सपेंस पेएबल, सैलरी पेएबल एटसेट्रा, एंड 60,000 परटेनिंग टू गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट ड्यूज को अदर करेंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है। तो नीचे लिखो नोट वन सॉल्यूशन में, नहीं ये डिपेंड करता है, प्रोविजन में भी जा सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि प्रोविजन में नहीं जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर नोन रहता है, अगर अमाउंट बदलने वाला नहीं रहता है तो फिर वो लाइबिलिटी बोलते हैं, फिर उसको प्रोविजन नहीं बोलते। लेकिन यहां तो साफ लिखा स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो वहां पे हाँ नोन देखने से नोन लग रहा है, तो इट्स बेटर कि प्रोविजन में नहीं शिफ्ट करके यहीं रहने दो, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इसको प्रोविजन में शिफ्ट करना चाहिए। लिखो आउट ऑफ 450,000 रुपीज ऑफ अदर करेंट लाइबिलिटीज, वी विल ट्रांसफर 390,000 टू फिनेंशियल लायबिलिटीज अंडर अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज। बच्चों आप जो करेंट लायबिलिटी देख रहे हैं उसमें पहला करेंट लायबिलिटी का नाम क्वेश्चन पेपर से देख के बताओ, चलो बात करो जल्दी, ट्रेड पेएबल, उसको आपको फिनेंशियल लायबिलिटी बोलना ही पड़ेगा, ट्रेड पेएबल इज ए फिनेंशियल लायबिलिटी, वो कितने लाख रुपए का है, 22 लाख। बाकी पढ़ेंगे नीचे, अगर कोई चेंज होगा तो ट्रेड पेएबल को भी चेंज करेंगे, लेकिन अब ट्रेड पेएबल के नीचे ये 390 आ जाएगा और ये भी फिनेंशियल लायबिलिटी ही बोला जाएगा। अब क्योंकि सैलरी और वगैरह वगैरह पेएबल है तो इसको अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज बोल करके बता देंगे, तो हम लोग का जब फिनेंशियल लायबिलिटी दिखाएंगे हम लोग करेंट लायबिलिटी के अंदर, सो ट्रेड पेएबल विल बी वन आइटम एंड अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज विल बी द सेकेंड आइटम, एंड देन उसके बाद जब 60,000 को दिखाएंगे तो वो अदर करेंट लायबिलिटीज बोल करके आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के स्टेच्यूटरी ड्यूज को अदर करेंट लायबिलिटी में दिखलाने के लिए शेड्यूल 3 का जो डिवीजन 2 है ना वो बोलता है। नेक्स्ट लाइन, ये हो गया डिस्कशन, ठीक है, शिफ्टिंग कैसे होगा मैंने समझा दिया अच्छे से। नेक्स्ट असेट साइड में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का फिगर जो बैलेंस शीट में है उसका अमाउंट देखा जाए,
150,000, ये लोग क्या बोल रहे हैं? 40,000 किसी को लोन दिए, नाम भी लोन्स एंड एडवांसेस है, और लोन यू नो हम लोग जो किसी को लोन देते हैं वो फिनेंशियल असेट होता है, एंड रेस्ट 110,000 इज एडवांसेस टू स्टाफ। अब ये प्रॉब्लम ये है कि एडवांसेस टू स्टाफ जो है ये हम लोगों को पैसा वापस देगा या सैलरी से काटेंगे, वही सर्विसेज देगा। तो अगर हम लोगों को लगता है सर्विसेज देगा तो हम लोगों को इसको नॉन फिनेंशियल असेट माने फिनेंशियल असेट के नीचे लेके चला जाना चाहिए। तो अब यहां पे क्लियर नहीं है कि वो क्या देगा, हमको क्या अजम्पशन लेना चाहिए, सर्विसेज देगा। लिखो नंबर टू, एडवांसेस टू स्टाफ अमाउंटिंग टू 110,000। बस ऐसे शिफ्टिंग है रे मुन्ना, हाँ कुछ शिफ्टिंग है कुछ एडजस्टमेंट है। शिफ्टिंग इसलिए हो रहा है कि इन डेज का प्रेजेंटेशन अलग होता है और एग्जिस्टिंग गैप का प्रेजेंटेशन अलग होता है, तो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर आइटम को शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ हम लोग बैलेंस शीट चेंज नहीं कर रहे हैं, अमाउंट चेंज नहीं कर रहे हैं, खाली प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे कर रहे हैं। बोलो 110,000 is expected to be recovered by way of services. Hence, it is a non-financial asset. तो फिर लोन्स एंड एडवांसेस में सिर्फ कितना रुपया फिनेंशियल असेट में रहेगा, सिर्फ कितना रुपया? 40,000। और 110 को जब तुम नीचे ले आओगे तो नीचे जो अमाउंट है उसका नाम बताओ और अमाउंट बताओ, अदर नॉन करेंट असेट, उसको 3,10,000 कर देंगे। क्योंकि अदर नॉन करेंट असेट का तो क्या बाइफर्केशन करोगे, वो तो अदर ही है ना, तो वो 3,10,000 कर देंगे ये। लेकिन आपको याद रखना है, इतना लिख दिए ना वो नोट में, अब ये आपका मेमोरी का चीज हो गया, क्योंकि और कितना लिखेंगे, क्योंकि और बहुत लिखना है हम लोगों को। नंबर थ्री, अदर नॉन करेंट असेट में जो 2,00,000 है, अभी जो 2,00,000 का बात कर रहे थे वो कैपिटल एडवांसेस टू सप्लायर दिया हुआ है, हाँ नॉन फिनेंशियल असेट है, क्लियर है। वो लोग भी हम कोई बोल नहीं रहा है कि फिनेंशियल असेट है, वो बच्चा बोला इट इज ए नॉन फिनेंशियल असेट, एकदम ट्रू, आई एम विथ यू। क्वेश्चन भी नहीं बोल रहा है कि फिनेंशियल असेट है, और ऐसा कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। द ओनली डिस्कशन इज उसको वहीं रहने देना है या उसको लोन्स में ले आना है, आंसर इज वहीं रहने देना है, वो लोन नहीं है, उसके बदले हमें असेट मिलेगा, असेट मिलेगा, हाँ तो उसको वहीं रहने देना, असेट माने फिक्स्ड असेट मिले, कैपिटल एडवांस है तो वो वहीं रहेगा, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। नीचे लिखो नंबर थ्री, अदर नॉन करेंट असेट ऑफ 2,00,000 is a capital advance and it should remain there only however in the notes a disclosure must be given that it is a capital advance.
नेक्स्ट असेट के लिए देने से ना, अगर असेट के लिए कुछ भी दिया जाता है, कैपिटल असेट परचेज करते ना, फिक्स्ड असेट, हाँ, इसीलिए कैपिटल एडवांस ही नाम दिया जाता है। चार नंबर बताइए, अदर करेंट असेट के अमाउंट में जाइए, 4 लाख, उसमें बोलता है कि 3,50,000 फिनेंशियल असेट है और रेस्ट 50,000 प्रीपेड एक्सपेंस है, तो लगता है कि हमें सर्विसेस मिलेगा, तो लिख लो नंबर 4। आउट ऑफ अदर करेंट असेट्स ऑफ रुपीज 4 लाख, $3,50,000 विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल असेट। रेस्ट 50,000 will remain other current assets. ये हम लोग ट्रीटमेंट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे जो 5 नंबर आइटम है वो बताओ क्या है। ट्रेड रिसीवेबल क्यों करोगे, ट्रेड रिसीवेबल तो अलग है ही, इसको अदर फिनेंशियल असेट लिख देना ना। जब आप फिनेंशियल असेट का लास्ट आइटम लिखोगे ना करेंट असेट में, तो अदर फिनेंशियल असेट लिख देना ना, बिकॉज यू डोंट नो ये क्या चीज से रिलेटेड है। हाँ, तो अदर्स लिख देना चाहिए, जहां पर भी डाउट हो अपने पास अदर्स का व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट, बोलिए, ये पढ़े हैं आप बहुत अच्छे से। हाँ, नहीं काउंट करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आएगा नहीं, तीनों सेंटेंस एक ही बात बोलता है कि दे हैव रिकॉर्डेड इट रॉन्गली। कहां पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट में इनका शॉर्ट टर्म प्रोविजन को, तो जब शॉर्ट टर्म प्रोविजन इन्होंने बनाया होगा तो रिटेन्ड अर्निंग को ही तो गिराया होगा, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन को उड़ा देंगे और रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ा देंगे। खाली चेक कर लो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अकेला वही है या और भी आइटम है, और भी आइटम है। ओके, तो खाली 2 लाख रुपया उड़ा करके रिटेन्ड अर्निंग में डाल देंगे। लिखो नंबर 5, डिविडेंड पेबल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड unless it is declared before the end of the year. Recorded unless it is declared before the end of the year. Therefore, this dividend of rupees 2 lakhs which is recorded as a liability by way of deduction from retained earnings
जर्नल एंट्री क्या होता होगा डिविडेंड का, लायबिलिटी जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो? रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, ये एंट्री करना अलाउड नहीं है इस क्वेश्चन में बिकॉज दिस इज नॉट येट डिक्लेयर्ड। दो ठो एसी चला दीजिए, 1 और 8, 2 और 7 चला दीजिए, 2 7 क्या लिखा बच्चों? डिडक्शन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, फुल स्टॉप। नाउ वी नीड टू रिवर्स इट। जर्नल एंट्री मारोगे या जो करोगे हो गया है कर दोगे? जर्नल एंट्री क्या मारोगे बोलो? शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख दूं, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम दिया है, उनके बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन है इसलिए बोल रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये पहला काम आपने किया है जिसमें आपने रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाया है। बाकी जितना भी काम था ना, ऊपर को नीचे कर दो, नीचे को ऊपर कर दो, फिनांस को नॉन फिनांस कर दो, नॉन फिनांस को फिनांस कर दो, तुम यही कर रहे थे। अभी ढंग से बोलो तो तुमने एक एडजस्टमेंट किया है जिसमें आपने रिटेन्ड अर्निंग को इंक्रीज किया है, तो आपका ओरिजिनल रिटेन्ड अर्निंग कितना है? 25 लाख, अब ये 27 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट, बोलिए क्या करना है? दिखा सकता है ना, दिखा सकता है ना, लिखो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेडिंग दे दो, एन एंटिटी में, जो बोला ना दिखा सकता है उसी को मे, मेजर इट्स पीपीई ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन एट इट्स फेयर वैल्यू एंड ट्रीट दैट एज इट्स डीम्ड कॉस्ट। देखिएगा ये नाम आपको याद आएगा, आप इवन एग्जिस्टिंग गैप के कैरिंग अमाउंट को भी डीम्ड कॉस्ट ले सकते हैं, और आप एक क्लास ऑफ असेट के लिए एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट को और एक क्लास ऑफ असेट के लिए फेयर वैल्यू को भी डीम्ड कॉस्ट ले सकते हैं, फुल स्टॉप। We may safely assume that all other items of PPE are being measured at their existing carrying amount as deemed cost, clear। और इवन हम लोग ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि बाकी जो आइटम्स हैं बिल्डिंग छोड़ करके, लैंड एंड बिल्डिंग ना, बिल्डिंग क्या था वो, नहीं नहीं पीपी तो हेडिंग है बे, ये आइटम का नाम बिल्डिंग था ना,
ऑफिस बिल्डिंग। देखो तो अकेला वही असेट है कि और भी असेट है? और भी असेट है ना, इसीलिए और असेट को हमने मान लिया कि वो लोग एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट को ही फेयर वैल्यू मान लिया है, माने डीम्ड कॉस्ट मान लिया। इवन ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे ही है, हमको बदलने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, बट ये लाइन ज्यादा लॉजिकल है जो मैंने लिखाया। अच्छा अब मेरे को बताओ इसको कैसे अकाउंटिंग करोगे, ये तो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ाओगे या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब वो रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में ही बढ़ाएंगे? हाँ तो बट प्रॉपर्टी प्लांट का अगर रिवैल्यू करते हो तो वो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा ना, आप पी माने करेंट ईयर के ओसीआई में मत लेकर के जाना, बट जाएगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में, अदर इक्विटी में ही जाएगा, बट लिखो लिखो दिस बीइंग ए रिवैल्यूएशन सरप्लस we will credit the revaluation reserve bracket में OCI directly in the balance sheet। इसका भी जर्नल एंट्री कर दो, ये आपका नोट्स ऑन अकाउंट्स की तरह का हो गया। सब में बोला है नोट्स भी बनाना है, हम नोट्स पहले बना दे रहे हैं, जर्नल एंट्री कर दो, बोलो क्या लिख रहे हो, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस ब्रैकेट में ओसीआई, और कोई खाली टू ओसीआई लिख करके भी रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख सकता है। सर बैलेंस शीट में चाहे रिटेन्ड अर्निंग हो बिजनेस वाला, चाहे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का रिवैल्यूएशन सरप्लस हो, सब कुछ अदर इक्विटी में ही आता है, अदर इक्विटी के अलावा और कुछ नहीं है बैलेंस शीट में, फिर वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रहता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी के बाद ही तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाता है, तो अदर इक्विटी का बाइफर्केशन जो है वो नोट्स में डिस्क्लोज होता है खाली। नेक्स्ट आइटम, जाइए इंटेंजिबल असेट को देखिए बैलेंस शीट में, और फेयर वैल्यू कितना बता रहा है और कंपनी क्या करना चाहती है, 2 लाख ही रखना चाहती है, इज इट अलाउड टू डू दैट, यस इट इज, नहीं डीम्ड कॉस्ट मान करके चला सकते हो ना आप अपने एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट को, लिखो इनटैंजिबल असेट्स, लिखो एन एंटिटी में कंटिन्यू टू मेजर इट्स intangible assets at its existing carrying amount as per Ind AS 101 as deemed cost,
तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बदलना चाहेगा और इसको नहीं बदलना चाहेगा, चलेगा एकदम आराम से चलेगा। एक टेंजिबल है और एक इनटेंजिबल है। टेंजिबल में भी दो अलग अलग क्लास ऑफ असेट अगर होना तो उसमें भी किसी को आप बदलना चाह सकते हो, किसी को नहीं बदलोगे तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बोलिए। उस वक्त फेयर वैल्यू एक्सरसाइज नहीं किया था, मतलब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के हिसाब से अकाउंटिंग किया होगा, याद है इंटर में पढ़ते थे। तो इन डेज 103 में अगर आपको याद हो, अगर आपका पहले कोई अमलगमेशन हुआ हो तो आप उसका एक डेट को कट ऑफ डेट के रूप में यूज कर सकते हैं कि हम इसके बाद के डेट का अमलगमेशन कोई इन डेज 103 में लाएंगे, पुराने अमलगमेशन का अमाउंट को हम बदलना नहीं चाहते। यू रिमेंबर एक स्टोरी था उसमें इन डेज 101 में कि पहली बार मैं इन डेज में घुस रहा हूं, मेरे पिछले 15 सालों में कई अमलगमेशन हुए पर मैं 14 साल पुराने जितने भी हैं माने लास्ट वन ईयर के अमलगमेशन को ही चेंज करूंगा, पुराने अमलगमेशन को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, आई एम अलाउड टू डू दैट। ट्रांजिशन डेट वाले डेट को भी हम अगर चाहें ना कि 1/4/2018 मान लो 31/3/18 को भी कोई अगर अमलगमेशन हुआ हम उसको भी नहीं करना चाहें अगर, तो अलाउड है। एनी प्रीवियस कट ऑफ डेट के बाद के डेट के अमलगमेशन को हम 103 पे ला सकते हैं। तो ये कंपनी किसी असेट को लाने के मूड में नहीं है एंड इट इज परफेक्टली अलाउड टू डू दैट। लिखो गुडविल। लिखिए गुडविल हैज अराइजन बिकॉज ऑफ ए बिजनेस कॉम्बिनेशन। As per Ind AS 101, an entity is allowed not to restate नहीं बदलना चाहते हम। अलाउड नॉट टू री स्टेट बोले हम, हाँ भाई हम ठीक बोले हैं, ये लोग उच्च, ये लोग गलत किया ना, हाँ वही मैं डरा दिया। नॉट अलाउड टू री स्टेट, साला री स्टेटमेंट तो हमेशा अलाउड है। आप अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना चाहें तो एकदम आराम से कर सकते हैं, 101 खुला परमिशन देता है। अलाउड not to restate past business combinations and it can take transition date as the cutoff date, और even कोई पुराना वाला भी कर सकता है, transition date कोई cutoff date लेने का जरूरत नहीं है। आप एक साल पुराना डेट को भी कट ऑफ डेट ले सकते हैं, दो साल पुराना डेट को भी कट ऑफ डेट ले सकते हैं। अगर आप ट्रांजिशन डेट के दो साल पुराना डेट को कट ऑफ डेट लेंगे तो पिछला दो साल में जितना भी अमलगमेशन हुआ है आप उसको रीस्टेट करेंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी पिछले 14 साल पुरानी है, आप हर साल कोई ना कोई अमलगमेशन करते हैं, आपने दो साल पुराना का ट्रांजिशन डेट से दो साल पहले वो कट ऑफ डेट लिया, तो आप खाली पिछला दो साल के बिजनेस कॉम्बिनेशन को रीस्टेट करेंगे, उसके पीछे के 12 साल को आप रीस्टेट नहीं करेंगे, अलाउड है।
इवन आप आज के डेट को भी कट ऑफ डेट मान सकते हैं। हम कोई पुराना बिजनेस कॉम्बिनेशन को रीस्टेट करना ही नहीं चाहते, इट्स परफेक्टली अलाउड। हाँ, सभी चीज में चेंज आएगा, सारे एसेट लाइबिलिटी के वैल्यू चेंज हो जाएंगे। हाँ, वो क्वेश्चन देगा डिटेल, जैसे हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ते थे क्या, वो पूरा फिगर आ जाएगा, पूरा फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स एक्वायर्ड, कंसिडरेशन पेड, गुडविल, अकॉर्डिंगली सारे अमाउंट को चेंज करना पड़ेगा। आपके पास तो कैरिंग अमाउंट लिखा होगा, फिर वो फेयर वैल्यू लेकर के आना पड़ेगा। नहीं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व ही। नेक्स्ट, एक बार सेंटेंस को वापस से पढ़ के सुनाओ बेटा। एज द कट ऑफ डेट फुल स्टॉप, सो वी डोंट हैव टू रीस्टेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब देखिए, देखते देखते हम लोग कितना कवर कर लिए और एकदम आराम से कवर हो गया। जिस तरह से पढ़ते वक्त डर लग रहा था कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, और देखिए सब याद आ जा रहा आपको कि हाँ, हम लोग किया हुआ, पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ। इसीलिए हम बोले कि रिवीजन बड़ा अच्छा हो जाता है, ये सम कर लोगे तो रिवीजन बड़ा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे अभी हम लोग? डी। ये बड़ा जबरदस्त है, ये जबरदस्त है, इसको पकड़ के दिखाइए तब मानेंगे। मैं आपको बता दूं, ये किसी इंड एस 101 का स्टोरी नहीं है, ये आपका कॉमन सेंस का स्टोरी है। आपको लगता है क्या कि 5000 लेस होना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता है। वर्ड पढ़िए, आप वर्ड पढ़िए क्या लिखा है। नाउ एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट, नाउ 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 माने दो साल बाद, 19-20 वाले साल में। और पढ़िए, एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट, फिर सुनो, यूजिंग हाइंडसाइट। यूजिंग हाइंडसाइट मींस बाद में बैड डेट हो गया तो लगा प्रोविजन पहले ज्यादा बना देते तो अच्छा होता। हाइंडसाइट समझते हो कि नहीं? जैसे मार्केट गिर गया तो हाइंडसाइट पे तुम बोलोगे उस दिन खरीद लिए होते, उस दिन बेच दिए होते तो अच्छा होता। या मार्केट बहुत बढ़ गया तो बोलोगे आज उस दिन खरीद लेते तो इतना रुपया कमा लेते। हाइंडसाइट पे हर आदमी सही होता है। कितना सुंदर लिखा है, नाउ एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट यूजिंग द हाइंडसाइट प्रोविजन नीड्स टू बी रिवाइज्ड एट 25,000। क्या लगता है, इस तरह से पुराने बैलेंस शीट को रिस्टेट करना चाहिए? लिखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखिए, इट इज एन अकाउंटिंग एस्टीमेट ऑब्लिक ट्रेड रिसीवेबल भी लिख दो ना, इट इज एन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड इट वॉज डन एट ₹20,000 इन अकॉर्डेंस विथ प्रीवियस गैप। वी हैव टू कंटिन्यू विथ द सेम एस्टिमेट्स We have to continue with the
सेम एस्टिमेट्स अनलेस देयर इज एन एरर. द न्यू इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एडजस्टेड इन दी ओपनिंग बैलेंस शीट. उस वक्त थोड़ी लग रहा था कि 25,000 का बैड डेट है, ये तो बाद में ना तुमको लगा, जब बैड डेट हो गया तब तुमको लगा 25,000 बना देते तो अच्छा होता. उस वक्त तो आपको 20,000 ही एस्टिमेट लग रहा था ना, ये थोड़ी कि तुमको इंड एस और एस में कोई डिफरेंस है एस्टिमेट बनाने में. एस्टिमेट तो एस्टिमेट ही होता है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. इस तरह से आप हाइंडसाइट पे एस्टिमेट को बदल नहीं सकते. आपका बैड डेट हुआ, आप करंट ईयर में बैड डेट लिख दो ना 5,000 रुपए एक्स्ट्रा. अभी तो 1920 का तो पीएल बनाओगे ही, रिस्टेट कर लो एक बार बैलेंस शीट को, ट्रांजिशन बैलेंस शीट बन गई. उसके बाद व्हेन दी न्यू बैड डेट विल अराइज, आप नया बैड डेट नए पीएल में डेबिट कर देना. नेक्स्ट लाइन, बोलिए क्या बोल रहा है. हाँ, आगे से कर लेगा, पुराना टान करके लेकर के आना उसके लिए पॉसिबल नहीं है. वो आज उसको जो फेयर वैल्यू को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मान लेगा, आज से नया आईआरआर निकाल देगा. फ्यूचर पेमेंट जो भी होगा ना, वो नया आईआरआर, वो तो ऐसे भी नया आईआरआर निकाल के रिकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का असेट. यू नो कि लोन गिवन इज एन असेट विच इज टू बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. प्रॉब्लम वहां नहीं है, 1819-1920 में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पुराना वाला में है कि मेरे पास 6 साल पहले से एक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का एसेट था, पर उस वक्त तो इंड एस ही नहीं था, तो हम कहां से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉलो करेंगे. तो हम अपना नॉर्मल पुराना वाला गैप के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे. 6 साल पहले 1,00,000 का लोन हम दिए थे, आज 6 साल बाद मेरा WDV ऑफ द लोन या कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन 40,000 है, क्योंकि 60,000 का रीपेमेंट हो गया है. तो मेरे बैलेंस शीट में माई लोन असेट इज 40,000 रुपीज. अब हम उस लोन असेट को रेट्रोस्पेक्टिवली कैरिंग अमाउंट बदल करके बिगिनिंग से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे जाकर के यहां आज तक ला नहीं सकते, वो मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है. तो आज के दिन हम फेयर वैल्यू ऑफ द लोन को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मानकर आगे से असेट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एंड इट इज परफेक्टली अलाउड. लिखो, लोन असेट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. इफ एन एंटिटी हैज an asset and loan asset कर दो, a loan asset and it could को हटाओ तो it is not able to apply, could not को काट के लिखो, it is not able to apply effective interest rate method retrospectively
retrospectively from the beginning then the fair value of the loan, आज के दिन उस लोन का जो फेयर वैल्यू है ना, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. And as well as the amortized cost. तो आज मुझे ये बताओ कि अगले कितने साल में पैसे मिलने वाले हैं, और चार साल में मिलने वाले हैं पैसे. तो जितना भी चार साल में पैसा मिलने वाला है, नहीं समझे, और जितना पैसा का आपका लोन है, लोन का फेयर वैल्यू आज 50,000 रुपया है, बैलेंस शीट में 40,000 रिस्टेट कर देंगे. अब 50,000 और फ्यूचर जो कैश फ्लो आएगा उसके बीच का IRR निकालना पड़ेगा, और आज के बाद आपको असेट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा. तो खैर, हम लोग को तो खाली ट्रांजिशन डेट का बैलेंस शीट मांगा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ. 10,000 से लोन असेट को बढ़ाना पड़ेगा. लिखो द फेयर वैल्यू of the asset is 50,000. So we have to record the increase in the asset as retained earning. इसका जर्नल एंट्री पास कर दो. बोलो क्या जर्नल एंट्री होगा. लोन असेट अकाउंट डेबिट. ए बच्चों, ये अपना वही वाला लोन असेट है क्या जिसको 40 और 110 में हम लोग अलग अलग किए थे, जो लोन्स एंड एडवांसेस था. देखो तो एक बार, शुरू में जो लोन एंड एडवांसेस लिखे थे, नोट नोट देखो, नोट नोट आपका कॉपी वाला, ये जो अपने बात किए थे ना, 1,50,000 का लोन असेट है, लोन एंड एडवांसेस उसमें 1,10,000 का स्टाफ का एडवांस था. देखो तो ये वही वाला है क्या, वही वाला है ना. तो फिर हम लोग बैलेंस शीट में 40 को 50 बना के दिखाएंगे. पहले बात तो 40 और 110 को अलग अलग करेंगे. यार नहीं है क्या, 1.5 लाख का असेट था यार, तुम लोग तो बोले थे उस समय 40,000 और 1,10,000 था ना. अब मुझे 50,000 दिखाना होगा उसी असेट को. माने एक असेट में दो एडजस्टमेंट हो गया रे. तो लिखो लोन असेट अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स. हम कुछ नहीं लिखे अभी तक, खाली बोल रहे हैं. एक पेज का तो हो गया होगा डिक्टेशन, डेढ़ दो पेज का हो गया. यही नोट्स ऑन अकाउंट्स है. लास्ट नहीं, बस वो 50 हो गया. 50,000 आज के दिन का अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो गया. अब एक तो नया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर लगा के, जो आपको पढ़ाते थे. फिर अमोर्टाइजेशन टेबल बना के लिखना होगा. हाँ, आप इवन ये भी डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको ये लोन तुरंत सल्टा देना है तो यू में कैरी इट एट फेयर वैल्यू. FVTPL भी बना सकते हो. यू नेवर नो कि ये कैसा असेट है. जनरली हम लोग लोन को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लिखते हैं. हम लोग का सब हो गया कि बाकी बचा है, तीन और है.
हेडिंग दो गवर्नमेंट ग्रांट। लिखो ए कंपनी विच हैज टेकन ए लोन एट ए फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं टेकन ए लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट एट ए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट ए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द लोन्स आर मेजर्ड एट क्या बोला हां फेयर वैल्यू उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बोलते हैं फेयर वैल्यू एंड द डिफरेंशियल अमाउंट इज ग्रांट However, while applying Ind AS 101, the entity may decide to continue the loan at its existing carrying amount and not to recognize the grant फुल स्टॉप सो प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट विल बी कंटिन्यूड एज द loan amount on the transition date आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है सब में लिखा भी नहीं कि कहीं बदलने का कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम बदलेंगे फेयर वैल्यू दे दिया है लेकिन बदलने की कहीं कोई जरूरत नहीं है और कंपनी चाहे तो बदल सकता है कि नहीं ये मेरे को एक बार चेक करना है ये मैंडेटरी एग्जेम्पशन था मेरे को जितना दूर तक याद है एक बार देखो तो मैंडेटरी एग्जेम्पशन था या नहीं था अगर आपके पास बुक है तो रुको मैं देखता हूं मेरे पास बुक है कि नहीं खैर कंपनी ने अपन को चेंज नहीं करना है कि कंपनी ने इसमें नहीं होगा अरे उसमें नहीं होगा एक मिनट रुक वो तो मोटा वाला बुक है देखो तो वहां पे है क्या मोटा वाला हाँ हम खाली ये देखना है कंपनी चाहे तो बदल सकता है कि नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है अगर कंसेशनल रेट पे लिया हुआ है हाँ वो करने का जरूरत नहीं है अगर गवर्नमेंट लोन पुराना है तो खाली हमको चेक करना है मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है
अरे नहीं कर सकते ये तो मालूम ही है, माने हम अगर चाहें तो नहीं कर सकते हैं, हम पूछ रहे हम चाहें तो कर सकते हैं क्या, मतलब आई वॉन्ट टू चेंज कैन आई डू, खाली हम मैंडेटरी है कि ऑप्शनल एग्जेम्पशन वो चेक करना चाहते हैं, नहीं समझेगा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए मिनट ना, एक मिनट लगेगा यही तो। मैंडेटरी है, बदल ही नहीं सकते आप, नहीं तो 420 पे आप ला ही नहीं सकते, वही तो मेरे को चेक करना था, मैं चेक करना चाहता, ये तो मेरे को मालूम था कि मैं 450 पे कंटिन्यू कर सकता हूं, तो कर सकता हूं, एक मुझे करना ही पड़ेगा, मैं 420 पे ला ही नहीं सकता सेट को, लिखिए हाँ ऑप्शनल होने से आप रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जैसे डीम्ड कॉस्ट, आप कैरिंग अमाउंट को डीम्ड कॉस्ट मान लिए, हमको नहीं मानना है डीम्ड कॉस्ट, हम घुमा करके लेकर के आना चाहते हैं, तो इसमें लिखा रहा हूं मैं, देखो ना बहुत सुंदर से, रुको लिखो, दिस एग्जेम्पशन इज ए मैंडेटरी एग्जेम्पशन, खाली यही चेक करना था रे, बाकी सब ठीक है, this exemption is a mandatory exemption and therefore we cannot record the loan liability at 420,000 that is its fair value, माने हम चाह के भी नहीं कर सकते, और कितना बचा रे पढ़ो क्या है, हाँ 450 अब आपकी बैलेंस शीट हो गई, बस आज के बाद ग्रांट का अकाउंटिंग आप नहीं कर सकोगे, बस आज के बाद आप IRR निकाल लीजिए जितना भी आप रीपेमेंट करोगे, और अकॉर्डिंगली आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे अकाउंटिंग कर लेंगे, गवर्नमेंट लोन होना चाहिए एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ये एकदम ही सिंपल है, लिखो इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, ए कंपनी कैन डेजिग्नेट its financial asset at FVTPL fair value through profit and loss and measure it at fair value on the day of transition, so a profit of 30,000 will be recorded as retained earnings. Retained earning में कितना कितना add हो गया, एक तो 2 लाख का dividend add हुआ, एक तो 10,000 का लोन वाला प्रॉफिट ऐड हुआ जो लोन को बढ़ाना था हम लोग को असेट को, और एक ये वाला 30,000 ऐड हुआ,
रिटेन्ड अर्निंग था कितना अपना 25 लाख, तो 2 लाख बड़ा डिविडेंड वाला 27 लाख, फिर 10,000 ये बड़ा 27 लाख 10,000, फिर 30,000 और बढ़ गया 27,40,000। इसका वर्किंग बना देंगे अच्छा से, क्योंकि ये मेजर है, मेन तो रिटेन्ड अर्निंग में ही हमला होता है ना इंडेस 101 में। लास्ट एच नंबर, बोला जितने भी एडजस्टमेंट्स हुए उसका डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन मत करो, बस खाली एक ठो 50,000 रुपया का इनकम लिख लो, यही बोल रहे ना, अज्यूम दैट नेट डेफर्ड टैक्स इनकम भी 50,000, इनकम असेट बढ़ जाएगा या लायबिलिटी गिर जाएगी बोल दो, तो पहले लायबिलिटी है तो देखना सम में की असेट है, देखना बेटा लायबिलिटी है तो लायबिलिटी गिरा देता हूं, क्योंकि ऐसे भी डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी नेट करके ही दिखाना पड़ता है। लिखो डेफर्ड टैक्स द डेफर्ड टैक्स इनकम विल बी रिकॉर्डेड by way of adjustments in reducing kar do by way of reducing the deferred tax liability अच्छा बोलिए कैसे बनाना चाहेंगे, सीधा इंड एस वाला बैलेंस शीट ही बना दें या पुराना गैप वाला बैलेंस शीट और जो जो एडजस्टमेंट किए उसका कॉलम बना दें, लिख तो सारा दिए हैं, नया वाला डायरेक्ट बना दें, लिख लो फिनेंशियल असेट लायबिलिटी वगैरह के लिए इनर कॉलम बनाओगे कि सब कुछ आउटर कॉलम में रखोगे, बना देते ना, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/18 ट्रांजिशन डेट ब्रैकेट में, एकदम आराम से बनाना बेटा, यही सोच के चलना कि आज इंड एस 101 पूरा कंप्लीट हम लोग नहीं कर पाएंगे, एक इतना बड़ा सम बनाए और एकदम फुल चांस एग्जाम में आएगा, 20 पहला क्वेश्चन आएगा और ये कंपलसरी में रहेगा एकदम, हमको पूरा विश्वास है, ट्रांजिशन है सब, रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट किए, देखो ना आप किए क्या, आप ऑनेस्टली बताओ कोई बड़ा काम किए, जो नॉर्मल पढ़े थे वो रिवीजन हो गया एक तरह से,
और सारा खाली एक बढ़िया चीज देखे, वो जो मैंडेटरी एग्जेम्पशन कि चाह के भी 420 नहीं कर सकते थे, 450 पे ही रखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, लिखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको सीधे आउटर कॉलम में ले जाओ क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें हम लोगों ने चेंज किया है, एक बार अच्छे से याद कर लेना। एक बिल्डिंग के वैल्यू को हमने बढ़ाया था, टेल मी हाउ मच अमाउंट आई विल रिकॉर्ड, 25 लाख। हम लोग के पास जर्नल एंट्री है उसका, है ना। और लास्ट वाला डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी जर्नल मार देते ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू रिटेन्ड अर्निंग्स, सब तो मारे ही थे। तो पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मारो, फिर म्यूचुअल फंड का भी मार दो, तो वही एडजस्टमेंट हो गया अपना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जर्नल मार दो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऊपर वाला जो नोट किए हैं हम लोग, और म्यूचुअल फंड में मार दो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। ए रिटेन्ड अर्निंग का अपना कितना बैलेंस हुआ था रे, 27,40, और ये 50,000 ले लिए थे, तो 27,90,000। ठीक, तो ये वर्किंग दिखा देंगे अच्छे से लास्ट में। नेक्स्ट आइटम ऑफ द असेट बताओ, पहले गुडविल लिखेंगे फिर अदर इंटेंजिबल असेट्स, क्योंकि इंटेंजिबल असेट को अदर करके लिखने का फंडा है, तो पहले लिख दो गुडविल। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हम लोग का नोट नंबर कितना है, तो यहां पे नोट नंबर 6 करके लिख दो एक ठो। नोट नंबर 6 है तो यहां लिख दो नोट नंबर 6। गुडविल का क्या नोट है, नोट नंबर 8 लिख दो। इसका अमाउंट कुछ चेंज नहीं किए थे ना गुडविल का, क्योंकि हम लोगों ने कट ऑफ डेट ट्रांजिशन डेट को ही मान लिया था, तो पुराना कोई भी अमलगमेशन, कभी भी अमलगमेशन बोलने का आदत है, पुराना किसी भी बिजनेस कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने रीस्टेट नहीं किया था। गुडविल का अमाउंट सेम 1,00,000। अदर इंटेंजिबल असेट्स, अदर इंटेंजिबल असेट्स में भी अमाउंट चेंज नहीं किए थे, हमको याद है वो लोग बोला था कि हम लोगों को फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाना है, हम एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसका नोट नंबर क्या दिए थे, 7, 2,00,000। जब हम लोग फिक्स्ड असेट लिख लेते हैं ना इन डेज का बैलेंस शीट में, तो फाइनेंशियल असेट स्टार्ट हो जाता है। अब लिखो फाइनेंशियल असेट्स, अपने नॉन करेंट असेट में क्या क्या फाइनेंशियल असेट था, अच्छे से एक 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 करके देखोगे। नॉन करेंट में क्या क्या फाइनेंशियल असेट था, नॉन करेंट में तो लिखो इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा एक बार देखना ना बेटा, ये जो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू चेंज करके 30,000 का जो प्रॉफिट लिखे थे, ये करेंट इन्वेस्टमेंट में लिखे थे या नॉन करेंट में, क्योंकि ना दोनों में मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, वो सम को देख के पता चल जाएगा, क्वेश्चन को देख के नहीं पता चलेगा तो हम कोई भी अजम्पशन ले लेंगे। जहां पे सम लिखा है ना म्यूचुअल फंड का, क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में नहीं है, आंसर शीट में होता तो मेरे को याद रहता करेंट इन्वेस्टमेंट ना, तो फिर इसको एज इट इज टान दो, इसमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट कंटिन्यू कैरी इट डायरेक्टली। इनर कॉलम में लिखेंगे हाँ, उसके बाद अपना क्या बात हुआ था, लिखो लॉन्ग टर्म लोन्स,
ये वही वाला 40,000 है क्या रे, जिसको हमको 50,000 बनाना था? एक बार चेक कर लो ना बेटा अच्छे से, ये यही वाला 40 है ना जिसको 50 बनाना था? लिख दो 50। इसका नोट नंबर 10, 2 and 10 कर दो, 2 and 10। और इसका हम लोग वो भी क्या नाम, इसका तो वर्क वो अलग से और डिटेल नहीं बनाना, रिटेन अर्निंग का बना देंगे। इसका तो 40 and 10, 50 क्लियर ही है। चलो नेक्स्ट, इसको टोटल करके बाहर निकाल दें, 5,50,000 अदर नॉन करेंट असेट्स। $1,10,000 और 2,00,000 तो वही वाला अमाउंट है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में था कैपिटल एडवांसेस के नाम से, और 110 वो वाला जो स्टाफ को एडवांस दिए थे इसका। लेकिन वो बनाना चाहिए एक ठो नोट्स ऑन अकाउंट्स, कितना नंबर नोट दोगे बताओ? नहीं इसको लिखेंगे हम अलग से ऐसे, नाम नया नोट बनाना चाहते हैं, लिखो नोट नंबर 14। लिखो अदर नॉन करेंट असेट्स, अदर नॉन करेंट असेट्स। पहला लिखो कैपिटल एडवांसेस, और दूसरा क्या था रे 110 का क्या था? कैपिटल एडवांसेस के सामने लिख दो 2,00,000, और दूसरा लिखो स्टाफ एडवांसेस। आप लोगों को यहां पे ए बी सी डी ई रोमन 1 रोमन 2 भी कर सकते हो, देखो ए बी इधर देखो ए बी सी डी, डी का रोमन 1 रोमन 2 और ये ई करना है कि ऐसे छोड़ सा, ऐसे भी छोड़ भी सकते हो, योर विश, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इन्वेंट्रीज नहीं, वो बाद में लिखा जाता है, फिनेंशियल असेट ना इन्वेंट्री के बाद लिखने का सिस्टम है, जो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 है ना उसमें इन्वेंट्री पहले, फिर सारा फिनेंशियल असेट, फिर वो सब अदर करेंट असेट्स। बोलो इसको चेंज किए थे क्या हम लोग रे? इन्वेंट्री का तो कुछ नाम ही नहीं आया, इतना 2 घंटा से बात कर रहे नाम ही नहीं आया। 12,50,000 फाइनेंशियल असेट्स। बैलेंस शीट देखना, हाँ बैलेंस शीट देख देख के फाइनेंशियल असेट निकालना। सबसे पहले करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इसी में तो चेंज किए थे, हाँ वो फेयर वैल्यू पे मेजर किए थे ना, तो 30,000 रुपीज बढ़ाए थे हमको जो याद है, तो अपने हाँ म्यूचुअल फंड वाला इन्वेस्टमेंट FVTPL पे लाने का बात हुआ था ना, तो अभी कितना है बैलेंस शीट? तो वो हो जाएगा 18,30,000। इसका जर्नल एंट्री मारा हुआ है,
क्या जर्नल मारे हो, वहां करेंट वर्ड लिख दो ना, तो पूरा क्लैरिटी रहेगा फिर ना। उसी वक्त लिख दिए होते ना तो साला करेंट याद रहता। नेक्स्ट, अरे जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाए थे ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वाला FVTPL, कितना नंबर नोट है? 12 नंबर। वहां करेंट वर्ड लिख दो। चलो अगला आइटम बताओ, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट मैं बताऊं 9 लाख, और हमने कुछ चेंज नहीं किया इसको, और ट्रेड रिसीवेबल को फिनेंशियल असेट क्यों बोलते हैं, और एडवांसेस गिवन टू क्रेडिटर्स को फिनेंशियल असेट क्यों नहीं बोलते हैं? एक में गुड्स मिलेगा, एक में पैसा मिलेगा। नेक्स्ट आइटम, पहले कैश लिख देता हूं उसके बाद लिख दूंगा। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कितने का है रे? कैश एंड बैंक बैलेंसेस चेंज नहीं किए ना इसको, तो 10 लाख लिख देता हूं। अच्छा, और कुछ ऊपर नीचे किए थे क्या, बताना तो ठीक से। फिनेंशियल असेट में कुछ इंक्लूड किए थे क्या हम लोग अपने मन से? कौन सा वाला जरा बताना तो। 4 लाख का असेट का कोई ब्रेकअप था क्या? देख तो रे कहीं पे पीछे में, हमको याद है कुछ तो था यार। हाँ वो क्या था पढ़ो तो, हम भूल गए। I had just forgotten, इतना बड़ा सम है ना, तो कंट्रोल लूज लॉस्ट हो गया है। हमको लगता है एकदम पहले पहले पढ़े थे। बस 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 बस, हो गया। एक बार फिर से देख लो। आउट ऑफ अदर करेंट असेट्स, वो जो अदर करेंट असेट में जो 4 लाख है उसी पे बात हो रहा है कि 3.5 लाख रुपया को फिनेंशियल असेट मानना है, तो अदर फिनेंशियल असेट्स करके लिख दो। समय बोल दिया था क्या रे उसमें? नहीं समझा बेटा, 4 लाख को ही तो दो पार्ट किए। एक बार देख तो रहे, ये जो बोल रहे है हम सब लोग ठीक किए ना। 4 लाख में ही दो डिवाइड है, 1 has gone to 350 फिनेंशियल असेट, आई मीन 1 फिनेंशियल असेट इज गॉन ऊपर और बाकी रह गया नीचे। सारा मार्क्स उस नोट्स में है जो 15-16 तो नोट्स लिखे हो ना, मेन मार्क्स उसी में मिलना है। बच्चे वो नोट्स ही नहीं लिखते हैं ठीक से। एक घंटा में हो जाएगा ये, हम बता रहे हैं। तुम लोग जब बनाने बैठोगे एक घंटा नहीं लगेगा, 50 मिनट लगेगा मैक्सिमम। बट ना ये सम इतना बड़ा जब आएगा ना तो बाकी सम छोटे छोटे आएंगे। आपको ऐसे नहीं सोचना फिर तो 3 ही सम बना पाएंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हाँ
पूरा टाइम लेके, इसका अलग से नोट बना के दूंगा। ये ऐसा हम जितना भी लिखते हैं अंदर ब्रैकेट में उसका नोट्स अलग से बनेगा। 14 हो गया था, एक 15 नंबर नोट और बन जाएगा। पहले बताइए आपको 27,90,000 याद आया कि नहीं? 27,40,000 तक याद आया? चलो 25,00,000 याद है, रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग बैलेंस। 2,00,000 का डिविडेंड रिवर्स किए थे, 27,00,000। 10,000 का लोन असेट बढ़ाए थे, 27,10,000। 30,000 का म्यूचुअल फंड का इनकम लिखे थे, 27,40,000। और 50,000 का डेफर्ड टैक्स इनकम, 90,000। ये वो हो गया और ये वो OCI रिवैल्यूएशन सरप्लस। शेयर कैपिटल कितना है? 15 बनाओ। दिखा रहे हैं बेटा, ये वाला बात हम लोग 4-5 बार कर लिए हैं, 27,90,000 वाला नहीं। ओल्ड बैलेंस 25,00,000, डिविडेंड पेएबल रिवर्स 2,00,000, लोन असेट का गेन। अरे लोन असेट का अमाउंट चेंज कर दिए थे क्या? 50,000। बैलेंस शीट देख के बोलो। हाँ, बातचीत में तो कर लिए थे रे, बैलेंस शीट में किए कि नहीं वो देखना है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में 30,000 बढ़ा दिए थे क्या? देख तो ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी तो लायबिलिटी साइड में आएगा। चलो, नॉन करेंट लायबिलिटी में वी हैव टू स्टार्ट विथ फिनेंशियल लायबिलिटीज। जैसे नॉन करेंट असेट होता है ना बेटा, यू स्टार्ट विथ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल एंड इंटेंजिबल असेट्स, फिर फिनेंशियल असेट आता है। पर नॉन करेंट लाइबिलिटी का पहला आइटम ही फिनेंशियल लाइबिलिटी होता है। अब रोमन 1, 2, 3, 4 करके आपके पास जो जो अमाउंट है एक एक करके बताते जाओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ना, इसमें कुछ चेंज होने का बात था या सेम टू सेम लिख दें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई चेंज है क्या? देखो,
हमको लगता है 390 करेंट लाइव करेंट वाले में चेंज है, 390 वो जो बच्चा बोल रहा हमको याद आ रहा है, एक बार चेक कर लो, 390 वाला नोट पढ़ो ना, मेरा मेरा लिखा हुआ नोट, वो अदर करेंट वर्ड है देख। हाँ उस हम समझ गए, मेरे भी दिमाग में वही चल रहा है 390। अरे वो करेंट लाइबिलिटी में शिफ्टिंग है, ये सेम टू सेम है 450, ये इसमें और कोई अमाउंट भी नहीं है। अगले लाइबिलिटी का नाम बताओ, प्रोविजंस लिखो, प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसमें तो कोई चेंज का सवाल है, वो था ना डिविडेंड, वो शॉर्ट टर्म में था। हाँ डिविडेंड तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही होता है, तो ये में कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिख दो। बैलेंस शीट देख देख के बोलो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है, 3.5 लाख, नो चेंज। उसके बाद डेफर्ड, इसमें चेंज है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। रुकना, हाँ तुम लोग क्या बोले थे, शायद गिराना था ना क्या, जर्नल देखो ना, जर्नल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी डेबिट है ना, तो कम करना है। अभी मेरे पास 350 है, 3 लाख हो जाएगा। नहीं थोड़ी मालूम है अपने पास की वो असेट की लाइबिलिटी है, लीक दो, ऐसे कोई खास बात नहीं है, बट वी डोंट नो वेदर इट इज नेट और नॉट। नेक्स्ट, करेंट लाइबिलिटी भी वी हैव टू स्टार्ट विथ फिनेंशियल लाइबिलिटीज। इसी में वो 390 शिफ्ट करना था ना, 390 को शायद फिनेंशियल में लाना था। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 22 लाख, उसके बाद अदर करेंट लाइबिलिटी का जो 450 था उसी से 390 ऊपर शिफ्ट किए थे। अदर फिनेंशियल लाइबिलिटीज, किसको पैसा देना था रे, ये 3,90,000 रुपया, और सैलरी एक्सपेंस यही सब है ना, हाँ तो उसको अदर फिनेंशियल लाइबिलिटी बोलते हैं। नहीं मैं ये चेक कर रहा था कहीं बोरोइंग तो नहीं है ना, क्योंकि बोरोइंग होने से वहां बोरोइंग लिखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने पूछा कि वो 390 किसको देना था। 390 अब एक एक करके जो बाकी लाइबिलिटी है उसका नाम एज इट इज रख के लिखते जाओ। बोलो अदर करेंट लाइबिलिटीज, खाली 60 ना, ये वही वाला 60 ना रे जो 450 को तोड़ के लाए थे, स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ड्यूज वाला 60,000, और प्रोविजंस इसमें हम लोग चेंज किए थे, बहुत सारा प्रोविजन है, 12 लाख का प्रोविजन है बैलेंस शीट में, हम लोग 2 लाख रिवर्स कर दिए थे, 10 लाख।
बात करनी होगी। फोन देना। हाफ अ मिनट वेट करोगे आप लोग, टोटलिंग आराम से करो, आधा मिनट वेट करो। ये मुझे लगता नहीं कि YouTube में जाएगा, मुझे लगता आप लोगों को Google Drive पे मिलेगा क्लास। मैं व्यवस्था करवा देता हूं कैसे क्या करना है। आप लोग ग्रुप में तो है ना, किसी न किसी ग्रुप में, तो मैं वहां पे व्यवस्था करवाता हूं कैसे अरेंज कराना है, क्योंकि व्हाट वी आर प्लानिंग की मैं बताता हूं थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद। ब्रेक मतलब क्या, खत्म करने के बाद। अभी अपने पास 7-8 मिनट और है, एक सम बनाए। दो नंबर तो नहीं बनेगा, चार नंबर बन जाएगा, तो चार अभी बना लेते हैं। दो और तीन छोटा छोटा है, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर इंडेस 19 भी स्टार्ट हो जाएगा। चलो चार नंबर सम देखो। हमको क्यों लग रहा है अभी हम लोग पढ़ के गए इसको, कल किए थे ना सेम सा, तो वो कौन सा चैप्टर में था रे? अच्छा वो ग्रांट वाले इंडेक्स, वही हमको लग रहा है कि एकदम सेम टू सेम सम हम लोग पढ़ के गए हैं, एकदम अच्छे से करके गए हैं और लिखे भी हैं बहुत अच्छा से। तो लिखो फिर से, लिख देते हैं या सेम एज वो कर दें, एकदम सेम सम है, एकदम सेम सम, फिगर अलग अलग है बस। उसमें भी साथ खाली ज्ञान ही था। तीन नंबर क्वेश्चन ना, पेज 11 का क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट मेरे को देख लेने दो बेटा, एकदम कॉपी है तो लिख लो सेम। ओ, एक को ग्रांट में डाल दिया और एक को 101 में डाल दिया, तो लिख लो सेम सम, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3।